हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एम ट्यूटोरियल में। आज हम बनाने वाले हैं पानी पूरी। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अब हम पानी पूरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए ये बताशे। ये हमको मार्केट में किसी भी बेकरी या फिर किसी भी ग्रोसरी की शॉप पे इजीली रीजनेबल प्राइस में हमको मिल जाएगी। और हमें चाहिए इमली की चटनी, ऑनियन, इसको हमने चॉप करके रखा है, पुदीने के पत्ते, पानी, हमने उबले हुए आलूओं को मैश करके रखा है, नमकीन, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, जलजीरा। तो हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम मैश किए हुए आलू डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें हमने जो चॉप की थी प्याज वो ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको साइड में रख देंगे। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे, पानी डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जलजीरा डालेंगे। आप चाहें तो जलजीरे की जगह पानी पूरी का एक मसाला आता है वो भी ले सकते हैं। हम इसमें सूखे पुदीने के पत्ते डालेंगे। हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े से नमकीन के दाने डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमारा पानी तैयार हो चुका है। अब हम पताशों को तलने के लिए तेल गरम करेंगे। उसके लिए हम फ्लेम ऑन करेंगे। हमने कढ़ाई में तेल लिया है। अब हम तेल को गरम होने देंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। इसमें हम पताशे डालेंगे। अब ये सीख चुके हैं, अब हम इसमें से निकाल लेंगे ना। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। अब हमने ये भर दिया है। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए प्याज डालेंगे। अब हम इनके ऊपर थोड़ी नमकीन डालेंगे। अब हम इसके ऊपर से इमली की चटनी डालेंगे जो हमने बनाई थी। अब हमारी पानी पूरी खाने के लिए तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।